A very good morning to 10th class students. Today we will do the poem, The Ball. About this poem, it is written by a blank verse. This poem is about losing something that you love and learn to grow up. This poem is about anything in which you lost in your life and how a young boy overcome his problem of losing something. It is about a little boy who for the first time in his young life is learning what is life experience grief at the loss of a much beloved possession, his ball. ये जो बहुत ही छोटी सी घटना पर आधारित है ये poem. इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा सीखता है कि बॉल खो जाने का क्या दुख है और वो उसे वापस पा सकता है या नहीं पा सकता, तो उसे ऐसी कौन सा आइडिया उसे समझ कर रखना है, कौन सी ऐसी थॉट है जो उसे प्राप्त होता है इस पोएम के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे. वंस अ बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, इट वॉज बाउंसिंग इन द स्ट्रीट अप एंड डाउन. एक बार एक बॉय जो है वो अपनी बॉल के साथ प्ले कर रहा है और जो बॉल है वो स्ट्रीट के अंदर अप डाउन कर रही है, मतलब गली में उछल रही है बॉल. दिस बॉय वॉज एंजॉइंग द गेम, ही इज़ एंजॉइंग हिज गेम. जब बॉल बाउंस करती है तभी क्या होता है, वो पानी में गिर जाती है और खो जाती है. विदाउट हिज बॉल द बॉय बिकेम फुल ऑफ ग्रीफ, अब बॉल के बिना जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. द पॉइट सेड and that were other balls purchase another since it was not a great loss. तो जो यहाँ पर poet है वो ये कहता है कि उसे दूसरी ball खरीद लेनी चाहिए थी, कौन सा कोई वो ball इतनी महंगी थी कि उसकी भरपाई ना की जा सकती हो. there was no need to worry, तो worry करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी. but the boy that had purchased another since it was not a great loss. It was not need to worry, but the boy had that ball for a long time, so he was deeply grieved due to his attachment with it. पर ये जो बॉल थी ये काफ़ी समय से थी उस बॉय के पास, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच था उस बॉल के साथ, इसलिए वो उसका दुख जो है वो सहन नहीं कर पा रहा था. It was linked to his memory. The boy thinks that it is of no use to purchase another ball. तो जो पॉइंट है वो ये सोचता है कि उसे नई बॉल नहीं खरीदनी है. He must feel his responsibility of the loss. उसे अब समझना पड़ेगा कि जीवन में हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है. तो आइए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. What is the boy move who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other ball. This poem is about a little boy. He loses his ball and watches it bouncing down the street in the water. So, हमारे लिए क्या है? Loss of ball is a minor consequences. But to the little boy, उस बच्चे के लिए वो एक valuable चीज़ है. The ball had been with him for a long time. And it was linked to the memories of the day when he played with it. इस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका काफ़ी सारा समय उस बॉल के साथ बीता हुआ है, इसलिए वो इसका लॉस जो है वो सह नहीं पा रहा है. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands with a trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. अब ये जो बॉय है ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में है क्योंकि इसकी बॉल लॉस हो चुकी है और वो दुख में प्लंग जो हो चुका है, दुख में गोते खा रहा है, वो स्टैंड हो चुका है और ट्रेम्बल भी कर रहा है, कांप रहा है अपनी एक जगह पर खड़े हुए, अपसेट है, बार बार उस रुके हुए पानी को देख रहा है जहाँ जहाँ पर उसकी बॉल जो है वो वापस चली गई है. द बॉल बाउंसेज इन टू द वाटर, जैसे ही बॉल पानी में बाउंस करने के लिए चली गई थी उसकी सारी की सारी जो यादें थी वो उसके इन फ्रंट ऑफ हिम फ्लैश होना शुरू हो गई थी. मोर ओवर द बॉय डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बिकॉज ऑफ देन टू बी वर्थलेस, क्योंकि और कोई जो बॉल है वो उसकी कमी को पूरा ही नहीं कर पाती, न्यू तो न्यू ही रहती ना बॉल.
तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाय इज अ बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल द बॉय कैनॉट फाइंड हिज बॉल इन द ग्लूमी वाटर दिस इज वैन ही गेट हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि बॉल जो है वो खो चुकी है पॉइंट उसको सजेस्ट करता है कि लॉस हो गया है बॉल का तो बॉय जो है वो ये सीख रहा है कि समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब हर एक चीज़ पर हक जमाना हर एक चीज़ जो हमारे पास है जो हमारे पोजेशन में है जिस पर हमारा कब्जा है तो वो एक ना एक दिन लॉस हो ही जानी है ही विल लॉस हिज थिंग्स ही विल बाय सम मोर टू परचेज वंस लॉस्ट तो वो और ख़रीदेगा उस लॉस्ट का नुकसान पूरा करने के लिए बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग दैट ही हैड लॉस्ट वो और चीज़ें तो खरीद सकता है पर वही चीज़ वापस में नहीं मिलेगी उसे जो एक बार उसके जीवन से चली गई है द पॉइंट दस मेक अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज इमटेरियल कि ये जो चीज़ों का खोना है ये स्वाभाविक ही है और जीवन में ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी चीज़ आपकी आपसे चल दूर नहीं जाएगी जीवन में बहुत कुछ आपसे दूर जा सकता है मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव द थिंग्स दैट रियली मैटर मनी एक बाहरी तत्व है ये खरीद तो सकता है पर उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता जो हमारे जीवन में अहमियत रखती थी चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग ही क्यों ना हो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप तो इस पोएम में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ों का जो है वो लॉस होता है और पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि जो बॉल का लॉस्ट हुआ है द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन कि किस तरह से इस संसार में जिस पर लोगों का लोग अधिकार जमाते हैं किस तरह से यहाँ पर हमें रहना पड़ेगा द बॉय इज़ लर्निंग बच्चा सीख रहा है वट इट मीन्स टू बी लूज समथिंग कि किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है द पॉइट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेज कवि यहाँ पर ये बता रहा है कि हर व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ों के ना मिलने पर चीज़ों के खो जाने पर भी जीवन जो है वो समाप्त नहीं होता है द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ द लॉस और पोएट को भी पोएट जो है वो उस बॉय को ये समझाने में सक्सेसफुल हो गया है कि किस तरह से जो है लाइफ में लॉस को सहन करना पड़ता है और जीवन में आगे चलना पड़ता है यहाँ पर जो सिंबलाइजेशन हुआ है बॉल को सिंबल किया गया है यहाँ पे बॉय जो है वो यंग है और उसके इनोसेंट डेज है क्योंकि बॉल के साथ एक बच्चा ही खेलता है रेपिटेशन यहाँ पर क्या है व्हाट बॉल्स अलिट्रेशन क्या होता है अलिट्रेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसमें हम क्या करते हैं सेम जो लेटर होता है जैसे कि बायज बॉल बैक बॉल्स बॉल्स तो यहाँ पर क्या होता है सेम वर्ड बी लेटर है वो रिपीट हो रहा है इसी को हम अलिट्रेशन कहते हैं व्हाट ये भी तो ये हमारी पोएम थी द बॉल